अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे व्लॉग। आज व्लॉगिंग चैलेंज का डे नंबर 2 है, तो फटाफट से नहा धो के हो जाते हैं तैयार जी, तो ऑफिस के लिए हो गए हैं बिल्कुल रेडी। आज जुम्मा था इसलिए आज शलवार कमीज़ पहनी है, तो अब ज़रा नाश्ता वाश्ता कर ले, फिर निकल लें ऑफिस के लिए। नाश्ते में है ये चने चावल, लंच में भी ये भेजो गए नहीं ऐसे ही शरीफ आ गया, चले ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम, 9 बज गए यार, लेट हो गया। क्या कर रहा था सैफ दा, क्या कर रहा था? चल यार जल्दी कर। तो यार फाइनली हम जेल से हो गए आज़ाद। क्यों भाई? मैंने अभी दोबारा जाना पेशी पे। मैं तो भैया 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। मेन रोड आ गया इसलिए तो फोन जेब में डालने लगो। भाई मैं कह रहा हूँ मेरा वेलकम करो यार, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये 85 रुपए की हो गई है, 85 की, इतनी महंगी। इससे बेहतर बंदा बोतल पीना छोड़ दे। यार ऑफिस से आ गए हैं तो अब बिल्कुल बस हुई हुई है, बहुत ज़्यादा थकन हो गया यार कसम से। अब बस नमाज पढ़नी है, खाना खाना है और सो जाना है, इतने में पूरा दिन ख़त्म, पता भी नहीं चलता दिन का यार क्या करें। एक चीज़ का सुकून है कि भाई जान अब 2 छुट्टियाँ, हफ्ता इतवार छुट्टियाँ, सुकून से अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे। यार वैसे किसी ने सही कहा है, अपना घर होता है, बंदा सुकून से बैठ के सब कुछ कर सकता है। और नौकरी किसी गुलामी से कम नहीं है। सुबह 9 बजे जाता हूँ मैं और आते आते तकरीबन 5:30-6 बज जाते हैं यार। ऐसे लगता है जैसे ना किसी कैद में बंद हूँ, ऐसे लगता है जैसे मेरी जो फीलिंग्स है ना मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता यार। अब देखो सुकून से बैठ के मैं कोक पी रहा हूँ और साथ अब कोई ना कोई चीज़ लगाते हैं, सुकून से बैठ के देखते हैं। जुम्मे वाले दिन तो अक्सर ऐसे ही होता है जैसे बंदा जेल से आज़ाद हो गया है यार, कसम से मैं नहीं बता सकता आपको अपनी खुशी। अल्लाह पाक मेरी इस खुशी को बरकरार रखे, ऐसा ना हो कि अभी दफ्तर से फ़ोन आ जाए कि कल सुबह फिर दफ्तर जाना है। अक्सर मेरे साथ ऐसे भी होता है, तो इसीलिए शुक्र अल्लाह पाक का, दुआ करना कि ना फ़ोन आए। यार ये कैंडी कितनी औसम है, बड़ी यूनिक किस्म की यार ये कैंडी है, ना ब्रांड का कोई नाम लिखा हुआ है ना कुछ, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो चूहे मार दवाई नहीं होती वो लग रही है। ट्राई करके देखते हैं। ये क्या निकला बीच में से? ये तो मुझे कोई होस्ट टाइप की लग रही है। यार कसम से इसका टेस्ट ऐसे है जैसे कोई दवाई खा रहे हैं, और वाकई में कोई दवाई हो मैं कैंडी समझ के खा रहा हूँ इसको, बहुत ही गंदा टेस्ट है इसका। और यार दफ्तर के चक्करों में याद ही भूल गया, आज तो मैच था मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, यार दोनों मेरी फेवरेट टीम है यार, एक में है बाबर और एक में है रजवान, तो अब किसको सपोर्ट करूँ मैं। चलो कर लेते हैं पेशावर को हम कर लेते हैं स्पोर्ट, क्योंकि पेशावर में है बाबर वो, और वो सबका फेवरेट है, तो देखते हैं फिर कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे तो दोनों टीमें अपनी ही है लेकिन फिर भी पेशावर को ही जीतना चाहिए आज, क्योंकि आज मैं पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ।